मैं सनी के पौधे की रिपॉटिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। क्योंकि होता ये है कि जब आप किसी गमले में पौधे लगाते हैं तो उसमें कुछ दिन बाद बाहर बढ़ने के लिए तो पर्याप्त साथ स्पेस रहता है, जगह रहती है, लेकिन अंडरग्राउंड में लिमिटेड स्पेस रहती है। इस वजह से कुछ दिन बाद पौधों में जब आप प्लांट लगाते हैं कोई गमलों में तो रूट बाउंड कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें लिमिटेड स्पेस है, रूट जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं और इंटरमिटेंट हो जाते हैं, जिससे गमले के फटने का चांस रहता है। तो रेनी सीजन में इसकी रिपॉटिंग की जाती है, एक गमले से हटा करके या तो दूसरे गमले में लगाना, या इसको पूरे पौधे को बाहर निकाल करके इसकी जड़ों ऊपरी भाग की छटाई कर लेते हैं तथा निचले भाग की अंडरग्राउंड भाग की छटाई कर लेते हैं, और छटाई के बाद इसको पुनः उसी गमले में लगा देते हैं। इस क्रिया को रिपॉटिंग कहते हैं। इससे नए तरीके से पुनः प्लांट अपनी तीव्र गति से बढ़ लेता है और गमले के फटने का डर नहीं रहता। इस क्रिया को रिपॉटिंग की क्रिया कहते हैं, या गमले में स्थानांतरण की क्रिया इसे कहा जाता है। तो आप लोग देखिएगा मैं रिपॉटिंग कैसे करता हूँ। लोग जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं गमले की पूरी मिट्टी निकाल रहा हूँ, नीचे तक की मिट्टी पूरी निकालनी है तथा जड़ भी निकालनी है। इसके ऊपरी के हिस्से को देखिए, एरियल प्रूनिंग मैंने कर दी। एरियल प्रूनिंग मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट्स निकालना, वो रखा हुआ देख सकते हैं आप। और अब मैं नीचे के पोर्शन को रूट प्रूनिंग करने के लिए इसको निकाल रहा हूँ, जिससे इसको पुनः इसी गमले में रूट प्रूनिंग करने के बाद, जड़ों की छटाई करने के बाद पुनः लगाया जा सके। तो आप लोग देखिए, इसको मैं रूट प्रूनिंग कर रहा हूँ, जिससे इसमें रूट ब्राउंड कंडीशन देखे जड़ निकल रही हैं। ये अगर नहीं की जाएंगी तो ये गमले को तोड़ सकती हैं, इसलिए मैं रूट रिपॉटिंग करने के लिए जड़ें निकाल रहा हूँ। आप लोग देखिए इसको, इसमें पूरी मिट्टी निकालना है और जड़ की छटाई करना है। इसके बाद पुनः इसी में मिट्टी से ये देखिए जड़ें जो हैं इसमें, इनको निकाल के बाहर कर देंगे आप, और पूरी क्लीन मिट्टी बना करके After destroying the roots out, you have to plant it again in the plot. This process is known as repotting. मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, जिससे ये मिट्टी गीली हो जाए तो निकालने में आसानी रहेगी। देखिए, मैंने सनी के पौधे की गमले की पूरी मिट्टी निकाल दी और मैंने पूरी वेजिटेटिव वनस्पति छटाई कर दी पौधे की, और ये पौधा लगा हुआ है। अब मैं पुनः रोपण करने जा रहा हूँ उसी गमले में, ताकि इसी क्रिया को पुनः रोपण की क्रिया कहते हैं। और ये ज़रूरी होती है, क्योंकि पौधे में जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि पौधे में ऊपर स्थान तो काफ़ी रहता है बढ़ने के लिए, लेकिन नीचे स्थान सीमित रहता है, और इसलिए जब ओवर क्राउडेड रूट हो जाती हैं, काफ़ी मात्रा में रूट बढ़ जाती हैं, तो गमले को फटने से बचाने के लिए और पुनः ताजगी प्रदान करने के लिए, जिससे पुनः पौधे का हम आनंद ले सकें, रिपॉटिंग की क्रिया है, पुनर्वपण की क्रिया की जाती है। ये आप लोग देखिए और आप लोग स्वयं कर सकते हैं इसको। ये विशेष करके रेनी सीजन में इस क्रिया को करनी चाहिए, क्योंकि इस सीजन में पौधा को किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, पौधा पुनः इस्टाब्लिश होने में आसानी से इस्टाब्लिश हो जाता है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ही इस क्रिया को संपादित करना चाहिए। हो गया।